मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह को भोपाल से उतारने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा भले ही नहीं की गई हो, लेकिन भोपाल से दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय है। दिग्विजय के चुनाव मैदान में आने के बाद भोपाल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि भोपाल सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है। लगभग चार माह पहले मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार के सामने पहली अग्नि परीक्षा देने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन दोहराना बड़ी चुनौती है, इसलिए पार्टी की नज़र बीजेपी के अभेद्य गढ़ बनी सीटों पर है। पार्टी की सोच है कि यदि बीजेपी को उसकी मजबूत सीटों पर घेर लिया गया तो बाकी की सीटों पर लड़ाई आसान हो जाएगी, और इसीलिए कांग्रेस राज्य में अपने सबसे मजबूत नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उतारने जा रही है। इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस बात के संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि पार्टी जहां से भी टिकट देगी वो वहीं से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। भोपाल सीट पर पिछले 8 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कब्जा है। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के आलोक संजर ने कांग्रेस के पीसी शर्मा को 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पीसी शर्मा इस समय राज्य सरकार के मंत्री हैं। राज्य विधानसभा की जो स्थिति है उसे देखते हुए ये पहले से ही तय है कि कांग्रेस अपने किसी विधायक को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी। इसके बाद से ही भोपाल सीट से कांग्रेस के किसी दिग्गज के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू हो गई थी। दिग्विजय के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर भी सस्पेंस गहरा गया है। पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या इंदौर से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस काफी समय से जीत नहीं सकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। बाद में झाबुआ सीट कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत ली थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।